सुप्रभात बच्चों। बेटा अब आपकी मात्राओं में से ये लास्ट जो है ये है अन, जिसे आप अह पढ़ते हैं। इस तरह से इसे दो बिंदुओं की तरह, विसर्ग की तरह इसको लगाया जाता है। तो देखिए कविता है, प्रत्यय है, तो पीछे आवाज़ क्या आ रही है? ह की आवाज़ आ रही है ना। तो प्रत्यय काल उठो, यानी सुबह उठो। प्रातः क्या होता है? सुबह उठो, सभी बड़ों को नमः करो। तो नमः आवाज़ क्या आई पीछे? ह की आवाज़ आ रही है। तो नमः करो यानी नमस्कार करो। पाठ पुनः पुनः याद करो। पुनः पुनः यानी थोड़ा थोड़ा उसको, पाठ को याद करो, पूजा पाठ करना। ठीक है, ये सब बातें जान लो, ये सब बातें जान लो। तो देखिए इसमें जो शब्द आए हैं, प्रातः, नमः, पुनः पुनः, आगे और शब्द पढ़ते हैं, अंत है, प्रातः, नमः, प्राय, पुनः। तो ये शब्द जो हैं ये आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे, ओके। और इसमें ये आपको स्वर दिए गए हैं, स्वर लगाए हुए हैं व्यंजन के साथ, तो उससे आपको एक एक शब्द बनाना है। जैसे म, मन, इसके साथ अस्वर जुड़ा है तो माला बन गया, या कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्क को अपनी बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये जो पांच शब्द हैं ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इस कविता को लिखने के बाद उसके नीचे ये आपको पांच शब्द भी लिखने हैं, ठीक है।